लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, अमेठी और अयोध्या की, जहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अदा की और आपसी भाईचारे की दुआ मांगी है। तो ईद की 5 तस्वीरें हैं लखनऊ, गाजियाबाद, अयोध्या, अमेठी, कानपुर की, जहां पर आज सुबह सुबह ईद की नमाज अदा करने के बाद लोगों ने देश में अमन चैन की दुआ मांगी और एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई दी। तो देशभर में आज ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। इसी बीच गाजियाबाद में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मुस्लिम लोगों का क्या कुछ कहना है, बातचीत की संवाददाता हिमांशु शर्मा ने, सुनाते हैं आपको। गंगा जमुनी तहजीब अगर कहीं देखने को मिलती है तो वो है उत्तर प्रदेश, और आज ईद का त्यौहार है। ईद उल फितर की नमाज के बाद जितने भी लोग हैं इस त्यौहार को बड़े ही सौहार्द पूर्वक मना रहे हैं। इस वक्त हम गाजियाबाद के केला भट्टा के पीएससी चौक पर मौजूद है, जहां पर तमाम मौजूदा जो लोग हैं वो यहां पर आपको बैठे हुए दिखाई देंगे, जो ईद का त्यौहार है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस त्यौहार की सबसे खूबसूरत बात यह है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी लोग एक दूसरे के घर जाते हैं। खासतौर पर मुस्लिम जो लोग हैं उनके घर पर हिंदू लोग जाते हैं और वहां जाकर जो सेवैया है वो जरूर खाते हैं। और आप देख भी सकते हैं यहाँ सेवैया रखी हुई है, मीठी सेवैया। इसके अलावा तमाम ड्राई फ्रूट्स जो दिए जाते हैं, एक तरह से प्यार के रूप में उनको प्रस्तुत किए जाते हैं, वो सभी यहाँ पर रखे हुए हैं। और त्योहार को बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से आपसी सौहार्द के रूप में गले मिलकर मनाया भी जाता है, और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो इस त्योहार को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। यहाँ हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी है और ईद का त्योहार पहले पड़ा है, वो भी मीठी ईद इसको कहा जाता है। तो मीठी ईद के त्योहार को लेकर सर क्या कहेंगे, जो त्योहार आप मना रहे हैं बहुत ही शांतिपूर्वक आपसी सौहार्द भावनाओं के साथ आप इस त्योहार को मनाते हैं, लेकिन सवाल मेरा ये है कि इस बार जो मीठी ईद है वो किसकी तरफ है, और जो खट्टी ईद अगर हम कह दें एक तरह से तो वो किसकी तरफ जा रही है चुनाव के लिहाज से। लोकसभा चुनाव का जिक्र कर लें तो इस बार सर क्या दिख रहा है कि जो मुस्लिम समाज है वो इस बार किधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है? तो राजनीति आज भाईचारे में ठोस पहुंची है। आज एक नफरत का बाजार बनाया गया है, जो इसकी मैं मजम्मत करता हूं और जो जरूरी नहीं है। आगे बात कर लेते हैं, आपका नाम सबसे पहले जानना चाहूंगा। मेरा नाम शाहिद कुरैशी है। कुरैशी साहब, ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, और ईद की सेवैया भी हम चखेंगे और लोग चख भी रहे हैं। इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है, साल में एक बार जब ये ईद उल फितर का त्योहार आता है तो सभी लोगों को इंतजार भी होता है। अब सवाल आपसे भी यही है कि इस बार लोकसभा चुनाव से पहले ईद पड़ी है और गाजियाबाद के अंदर 26 तारीख को मतदान भी होना है, ऐसे में किधर जाते हुए जो मुस्लिम समाज के वोटर्स हैं वो दिख रहे हैं आपको? आज तो सब ईद मना रहे हैं, अभी तो चुनाव का कोई मुद्दा ही नहीं है। आज के बाद जो भी होगा मुद्दा जब ही बनेगा कि कोई मुद्दा लग रहा है, माहौल क्या लग रहा है, एक माहौल बनता है ना सर? बहुत अच्छा है, ईद का माहौल है, बहुत अच्छे लोग एंजॉय कर रहे हैं और सरकार बहुत अच्छी काम कर रही है, इस टाइम बहुत अच्छा काम कर रही है, प्रशासन हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है। यानी योगी जी का जो डेवलपमेंट है उसको आप मान रहे हैं कि हुआ है? जी जी, योगी जी का राजनीति आगे ने इसमें थोड़ा सा ये है, देखा जाए कि अलग अलग सबका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, विचार सबके अलग होते हैं, तो विचारों से किसके सहमत हैं आप? नहीं, विचार तो इस टाइम हमारे मोदी जी, योगी जी हैं और गाजियाबाद से हमारे अतुल जी हैं, इसका आगे कुछ नजर नहीं आने का किसी को। बिल्कुल, आपने बात बात कही है, आपके पास मैं दोबारा आऊंगा एक बार लौटकर और लोगों से भी थोड़ी सी चर्चा हो जाए। बाऊजी, आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम मोहम्मद सुलेमान है। आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद ईद उल फितर की। सुलेमान जी, क्या कुछ कहेंगे इस त्योहार को लेकर, जितना आपसी प्यार मोहब्बत यहाँ देखने को मिलती है, उस प्यार मोहब्बत के बाद में अगर हम ईद की बात कर लें तो ईद के बाद जो लोकतंत्र का त्योहार पड़ रहा है, सबसे बड़ा त्योहार कहा जाता है लोकतंत्र का भी, जब हम अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें किधर जाते हुए आप सब दिखाई दे रहे हैं? देखिए, मुस्लिम समाज जो है, ये जो ईद बनाई जा रही है 30 रोजे रखने के बाद ये ईद बनती है, इसके अंदर जो है, ईद के अंदर अभी फिलहाल हम कोई पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहते, ये हमारा हिंदू मुस्लिम सब लोग आ रहे जा रहे भाईचारा, हम बीजेपी से समर्थक हैं और बीजेपी को ही वोट देते आ रहे हैं और बीजेपी को ही वोट देंगे। धन्यवाद, आपने स्पष्ट शब्दों में कहा, यही मैं बस स्पष्ट शब्दों में जानना चाहूंगा, कम शब्दों में, जिस तरह से उन्होंने बताया कि आप वाकई इस डेवलपमेंट से खुश हैं या नहीं? खुश है। खुश हैं डेवलपमेंट से? अगर डेवलपमेंट से खुश हैं तो क्या ये माना जाए कि वाकई मुस्लिम समाज इस बार योगी के समर्थन में, मोदी के समर्थन में जा रहा है? ऐसा ही है। मान रहे हैं आप मोदी जी का समर्थन करेंगे इस बार?
जी, काफी हद तक ईद का ये त्योहार है बहुत ही आपसी सौहार्द से मना रहे हैं, प्यार मोहब्बत से मना रहे हैं। और इसमें जब हम बात कर रहे हैं तो उनका कहना है कि जो डेवलपमेंट है उसको देखकर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो बेहद खुश हैं, और उस समाज उस डेवलपमेंट की वजह से, खुशी की वजह से जो समाज है वो काफी हद तक वोट देने की बात भी कहता हुआ नजर आ रहा है। बाबूजी आपका नाम? हम लोग खुश हैं जी इस चीज से। तो आपका नाम मनव्वर? मनव्वर जी, मनव्वर जी आपने तमाम सरकारें देखी, बहुत सरकारें आपने आई गई, अब सरकार चल भी रही है, तो क्या लग रहा है कि ये सरकार अलग है और सरकारों से? हाँ ये सबसे अलग है, काम सही हो रहा है, समर्थन कर रहे हैं सरकार का। ईद के मौके पर तोहफा देंगे जब 26 तारीख आएगी तो? बिल्कुल, वोट के माध्यम से? बिल्कुल, वोट के माध्यम से तोहफा देंगे। आप नौजवान हैं, आपसे ही बात करना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलशाद अब्बासी है। आप सभी की बात से सहमत है या आपकी राय थोड़ी सी अलग है? मैं सरकार को लेकर, सरकार सही है, मैं आपकी सबकी बातों से सहमत हूँ। मैं वार्ड नंबर 92 से पार्षद भी हूँ जी। कौन सी पार्टी से पार्षद है? मैं AMIM से। AMIM से पार्षद हैं, लेकिन आप सरकार से सहमत हैं, तो डेवलपमेंट के मुद्दों पर वोट दी जाएगी या फिर पार्टी के मुद्दे पर वोट दी जाएगी? डेवलपमेंट पे। डेवलपमेंट पे, विकास के मुद्दे पर वोट देने की बात यहाँ पर कह रहे हैं। एक और बड़े मियाँ यहाँ पर हैं, उनसे और बात कर लेते हैं, उन्होंने भी तमाम सरकारें देखी होंगी। बड़े मियाँ आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम अकबर अली है जी। अकबर अली जी, अकबर जी ये मैं जानना चाहूंगा, इस बार जो आप सब मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो लोकतंत्र का एक बड़ा त्योहार आने वाला है, आज भी एक बड़ा त्योहार है ईद उल फित्र का, उसकी मुबारकबाद हमने सबको दी, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद, लेकिन लोकतंत्र का जो महापर्व आएगा उस पर आप किधर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या मुद्दे आपके रहेंगे इस बार वोट देने को लेकर? जो सरकार चल रही है उसी के साथ है जी। जो सरकार चल रही है उसी सरकार, तो फिलहाल अगर हम देखें केंद्र में मोदी सरकार यानी भाजपा है और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, उन्हीं के साथ है। वजह उनके साथ होने की? कोई काम ठीक चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है। काम ठीक चल रहा है, कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं, काम अच्छा चल रहा है? हाँ काम सही चल रहा है, काम अच्छा चल रहा है, डेवलपमेंट अच्छा मिला आपको, और आपने मीठी सेवैया भी खाई, अच्छी लगी होगी, मुझे भी बहुत पसंद है। तो क्या कहेंगे इस बार को जो चुनाव, क्या लग रहा है? ये वोट तो सब बट रही है, कोई सपा में कुछ, ज्यादातर लोगों ने यही कहा कि वो योगी जी के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं, इस बार वो अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ नहीं, योगी जी के साथ ज्यादा है, ज्यादा है मुस्लिम समाज इस बार। तो ये हमने बात की यहाँ पर केला भट्टा पर, जिस तरह से लोगों से बात की, सारे ही मौजूदा लोग थे, उनका ये कहना था डेवलपमेंट को लेकर वोट देंगे, जो सरकार है वो अच्छा काम कर रही है, इस बात को ध्यान में रखकर वोट देंगे। तो तमाम लोगों ने अपने अपने मत यहाँ पर रखे, अपने अपनी बातें यहाँ पर रखी। जिस तरह से ईद उल फित्र का त्योहार आपसी भाईचारे के साथ मनाया जा रहा है, उसी भाईचारे के साथ इनका कहना है आने वाला जो 26 तारीख को सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यानी कि वोट डालने का जो अधिकार है, 26 तारीख को पहले दूसरे चरण के मतदान होने हैं, दूसरे चरण के मतदान, उसमें ये अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे, और ज्यादातर